नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि विंडोज 10 के अंदर किसी भी वीडियो को कैसे रोटेट करते हैं, उसको राइट ओरिएंटेशन में कैसे सेट करते हैं। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जब आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आपको उस वीडियो को रिकॉर्ड करना था हॉरिजॉन्टल पोजीशन में, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है वर्टिकल पोजीशन में या फिर इसके वाइस वर्सा होता है। और ऐसा होने का दोस्तों एक कारण ये भी होता है कि जब आप अपने मोबाइल से कोई वीडियो रिकॉर्ड करने जाते हैं और उस वक्त अगर आपके मोबाइल का पोजीशन वर्टिकल है और आपने रिकॉर्ड बटन दबा दिया, उसके बाद से आपने अपने मोबाइल का पोजीशन कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो आपके मोबाइल का कैमरा फर्स्ट ओरिएंटेशन को लेता है और आपका वीडियो हॉरिजॉन्टल के जगह पे वर्टिकल पोजीशन में रिकॉर्ड हो जाता है या फिर वर्टिकल के जगह पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रिकॉर्ड हो जाता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, मेरे पास ये एक वीडियो है, मैंने इस वीडियो को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रिकॉर्ड किया था लेकिन ये वीडियो वर्टिकल पोजीशन में रिकॉर्ड हो गया है। अब मुझे इस वीडियो को वापस हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सेट करना है और ये करने के लिए दोस्तों आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। विंडोज 10 में इनबिल्ट एप्लीकेशन की मदद से आप ये काम कर सकते हैं, किसी भी वीडियो को बहुत ही आसानी से आप रोटेट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों विंडोज 10 के अंदर किसी भी वीडियो को रोटेट करने के लिए, उसको राइट ओरिएंटेशन में सेट करने के लिए, अब आपको यहाँ पे नीचे स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे दोस्तों देखिए आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, वीडियो एडिटर। ये एप्लीकेशन दोस्तों विंडोज 10 का इनबिल्ट एप्लीकेशन है, आपको इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे वीडियो एडिटर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। आप इस एप्लीकेशन को दोस्तों यहाँ नीचे सर्च बॉक्स में वीडियो एडिटर टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन ओपन होने के बाद यहाँ पे देखिए आपको न्यू वीडियो प्रोजेक्ट का बटन दिखेगा, आपको इस पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे इस प्रोजेक्ट का कोई भी नाम दे देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ रिकॉर्डर, फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ऐड बटन इनेबल हो जाएगा, अब आपको यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करना है, आपको जिस भी वीडियो को रोटेट करना है अगर वो वीडियो आपके कंप्यूटर में ही है, फिर आपको यहाँ फ्रॉम दिस पीसी पे क्लिक करना है और आपको अपने कंप्यूटर से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। मेरे कंप्यूटर में ये वीडियो इस लोकेशन पे है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया, अब दोस्तों वो वीडियो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पर आकर ऐड हो गया। यहाँ पे ऐड होने के बाद से अब दोस्तों आपको इस वीडियो को यहाँ पे लाकर ड्रैग करना है, ठीक है, तो आपको अपने माउस पे इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे ला करके आपको छोड़ देना है, यहाँ पे आपको ड्रैग कर देना है। अब आप देख सकते हैं ये वीडियो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखिए इस वीडियो के नीचे यहाँ पे रिसाइकल के बगल में आपको रोटेट का बटन दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है और अगर आपको हॉरिजॉन्टल में करना है तो हॉरिजॉन्टल में करके आपको यहाँ पे छोड़ देना है, अगर हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में करना है तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट बटन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ऊपर देखिए यहाँ पे फिनिश वीडियो का बटन है, आपको यहाँ फिनिश वीडियो पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद से आपको इस वीडियो को अपने कंप्यूटर के जिस भी लोकेशन पे सेव करना है वो लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ नीचे एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और वो वीडियो उस लोकेशन पे जाकर के सेव हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके वीडियो का साइज कितना बड़ा है, लेंथ कितना बड़ा है, जितना बड़ा वीडियो होगा उसके हिसाब से यहाँ पे टाइम लगेगा, जितना छोटा वीडियो होगा उतना जल्दी आपका वीडियो यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो डेस्कटॉप पे एक्सपोर्ट हो गया है। एक्सपोर्ट होने के बाद से दोस्तों वो वीडियो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्ले होगा। जैसा कि अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा वीडियो वर्टिकल में था और ये वीडियो अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आ चुका है। मैं यहाँ पे आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ, ये एक्सपोर्ट करने के बाद का वीडियो है हॉरिजॉन्टल में, ये जो ओरिजिनल वीडियो था वो वीडियो दोस्तों यहाँ पे था, ये वीडियो वर्टिकल में था। तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी से विंडोज 10 के अंदर बिना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ही अपने किसी भी वीडियो को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में, वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में बहुत ही आसानी से आप रोटेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।